सो so, uh, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरा नाम पारस शर्मा है मैं पिछले चार साल से अंकुर प्रतिष्ठान के साथ काम कर रहा हूँ मेरा जर्नी भी आप लोग के साथ जैसे एक इंटर्न जैसे शुरू हुआ था 2020 में किति कॉलेज से मेरा इंटर्नशिप जो प्रोग्राम था उसमें हमारे ताई दादा जैसे हमारे ताई दादा जो थे वो आए थे और उन्होंने हम लोग को इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था अनफॉर्चुनेटली मैं वो प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा लेक्चर चल रहा था मुझे मीनल मैम ने बोला कि बाजू में ऐसा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है आपको एनरोल करना तो आप जाइए मैं भागकर गया मैंने वहाँ पे अपना एनरोलमेंट कर दिया अब ये चीज़ जो है ये शायद आप लोग सब लोग के साथ भी हुई रहेगी इसके बाद मैं आप लोग को अपना जर्नी शेयर करना चाहूँगा मैंने पिछले चार साल में तीन सेंटर्स में काम किया है कल्याण जिसमें मैंने इंटर्नशिप किया उसके बाद मैंने टिटवाला एज अ वॉल्टियर ज्वाइन किया वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चीज़ें सीखी जैसे हम लोग ने वो शॉर्ट फिल्म में भी मेंशन किया था माइन्यूट प्लानिंग मैनेजमेंट स्किल्स टीम बिल्डिंग ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप में इनकलकेट की और मुझे पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर कहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है हमें बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है और ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है अंकुर प्रतिशान का ये आपको वो पॉलिश करके देगा फॉर श्योर sure. उसके बाद मैंने वहाँ पर एज अ लीडर सेंटर हेड जैसे काम किया गए दो साल मैंने वहाँ पर एज अ सेंटर हेड काम किया उसके बाद फिर बाद में मैंने अभी न्यू एक सेंटर ज्वाइन किया जिसका नाम है माहिर नीम अब माहिर नीम में जाने का सबसे बड़ा रीज़न पारस को वहाँ क्यों भेजना था मुझे याद है प्रणव दादा ने बोला कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाए और वहाँ पे एक नया टीम बनवा पाए माहिर नीम हमारे लिए एक नया सेंटर था ये अनुभूति के लिए इससे पहले वाले अनुभूति में हम लोग ने अनुभूति जो ली थी माहिर नीम की वो इतना प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि इतना स्ट्रांग बिल्ड नहीं हुआ था टीम अब ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको इस स्टोरी फॉर्मेट में बताई तो ये बहुत इजी लगा बट मैं आपको कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा मैं एज अ इंटर्न काम कर चुका हूँ मैं एज अ वॉलेंटियर काम कर चुका हूँ मैं एज अ सेंटर हेड काम कर चुका हूँ मैं टीम बिल्डिंग में और मैनेजमेंट के स्किल्स में और वहाँ की प्लानिंग में काम कर चुका हूँ उसके बाद अभी जैसे विनायताई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैं सोशल मीडिया का भी काम कर रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आपको लाइफ में रिक्वायर्ड होगी आपके लाइफ स्किल्स आपका डेवलपमेंट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका स्टोरी टेलिंग स्किल्स मेरा इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग स्किल्स नहीं था मैं ऑडियंस को इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा था जैसा मैं अभी कर पा रहा हूँ आई गेस मैं कर पा रहा हूँ तो वो स्किल सॉन्ग मेरा इतना अच्छा नहीं है मराठी मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी आज भी नहीं है मैं इतना कॉन्फिडेंटली मराठी बोल नहीं सकता पर एक चीज़ मुझे अंकुर की वजह से मिली वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराठी अब आपको अंकुर में और क्या क्या मिल सकता है आपको अंकुर में दो दादा मिलेंगे प्रणव दादा और शौनक दादा ये आप लोग के बड़े भाई जैसे ही रहेंगे आपको अंकुर में क्या और मिल सकता है आपको अंकुर में एक फैमिली मिलेगी वो फैमिली जिसमें दो भाई है आपके ठीक है आपकी उम्र के सारे आपके दोस्त रहेंगे और टेंशन मत लेना अगर आप लोग दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाती है ना तो वो ऐसे सॉल्व हो सकती है नेक्स्ट संडे के एक्टिविटी के टाइम पर और आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स मिलेगी ये मेरा छोटा सा जर्नी था शायद इससे बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा अंकुर में और मैं आगे करता भी रहूँगा आज मैं सेंटर पे एक मेंटर जैसा भी हूँ तो ये मेरा छोटा सा प्रवास था थैंक यू सो मच